पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। जशन बेटा, जशन कब वो डॉक्टर ठीक कर देंगे सब? जशन बेटा, आपने अपनी टूटी हुई कार का कोई टुकड़ा खाया था? जशन बता, आपने कुछ खाते हुए देखा सर? नहीं, ये खिलौना तो टूटा हुआ है, ये पहले से ही। एक्सलेप्ट करेंगे। डॉक्टर अंसारी, कॉल द पीडियाट्रिक सर्जन, मुझे असिस्ट करने के लिए। सिस्टर, कंसेंट फॉर्म लेके आओ जल्दी। विक्रांत, नो। अरे, कुछ बताएंगे कि नहीं कि क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअली एक ऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि पता चल सके जशन को क्या हुआ है। ऑपरेशन? सिर्फ ये बूझने के लिए कि हुआ क्या है, चीर पार कर डालिएगा। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है भैया, जब सीटी स्कैन और एक्सरे में पता नहीं चलता है तो। अरे तुम चुप करो एकदम, कुछ आता जाता नहीं है, बड़ा रोग जमा रही हो। आपकी हमारे बारे में जो भी राय हो, हम बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और इस वक्त हम आपके बच्चे की जान बचाने की कोशिश करें। हालत देखिए इसकी। कौन की उल्टी कर रहा है, देखिए तो। उल्टी हो गई। इनफ, मुझे अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। विक्रांत, हम फिर से सीटी स्कैन और एक्सरे कर सकते हैं। पर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। एंडोस्कोपी? तुम एक डॉक्टर की तरह नहीं, रिलेटिव की तरह बात कर रही हो। एंडोस्कोपी वोंट वर्क फॉर लोअर जीआई। अदिति, मेरी तरफ देखो। ट्रस्ट मी, जशन के लिए जो बेस्ट होगा मैं वही करूंगा। भैया, सर्जरी के लिए कंसेंट फॉर्म साइन करना होगा। आई नहीं, जितनी ज्यादा नफरत आप मुझसे करते हैं उतना ही ज्यादा प्यार आप जशन से करते हैं। प्लीज। जशन, मुझे तो सारी रिंग्स अच्छी लग रही है, देखना। आई विश हम 10 बार एंगेजमेंट कर सकते हैं, तो मैं सारी रिंग्स रख लेती। एनीवे, यू चूज। तुझे जो बेस्ट लगे सिया, तू सिलेक्ट कर ले यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब ओके है। फर्क कैसे नहीं पड़ता है अबे? कम ऑन यार, लाइफ की इतनी इंपॉर्टेंट चॉइस है, ऐसे कैसे कुछ भी ओके है तेरे लिए? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चॉइस नहीं है मेरे लिए सिया, नहीं है। इंपॉर्टेंट चॉइस विकी की थी और उसके एक गलत चॉइस की वजह से उसकी और संध्या जी की दोनों की लाइफ खराब हो गई। सिया, लाइफ में इंपॉर्टेंट चॉइसेस वो होती है जिससे आपकी लाइफ पे इफेक्ट करता हो, फर्क पड़ता हो। अभय, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्या हुआ? सिया यार, रिंग से क्या फर्क पड़ता है? एंगेजमेंट कर रहे हैं ना हम आज, ये है ना इंपॉर्टेंट चॉइस, तेरी, मेरी, हमारे फैमिली की, सबकी लाइफ अफेक्ट होगी उससे। अबे, do you regret making that choice? सिया, मेरी चॉइस थी कहाँ? कहाँ थी मेरी चॉइस? अंकल चाहते थे हम आज ही एंगेजमेंट करें और तूने हाँ बोल दी। यार तूने मुझसे पूछा ही कहाँ? अबे, सर्जरी में जाने से पहले उन्होंने एक विश मांगी, मना कर देते हम। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ यार सिया। तो तू क्या बोल रहा है अबे? नहीं आ रहा है मुझे समझ में। Why are you so angry? तूने ही प्रपोज किया था ना मुझे। मैं तो इस बात पे भी अग्री कर रही थी कि कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगी जब तक तू एंगेजमेंट के लिए मेंटली रेडी नहीं हो जाता। पर फिर डैड, ये उनकी सर्जरी, उनकी हेल्थ, इन सब के बारे में नहीं सोचा था ना हमने। सिया, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, मैं से... क्या बोलना चाहता है अभय? टेल मी ना प्लीज। मैं बस बोल रहा हूँ तू रिंग्स चूज कर ले। अभय, अगर तुझे आज ही एंगेजमेंट नहीं करनी है तो कोई कंपल्शन नहीं है, तू डैड से जाके बात कर ले एक बार, अगर वो मान गए तो मैं वेट करने के लिए रेडी हूं। ओके? नहीं यार सिया, आई कांट डू दैट टू अंकल। टू रिंग्स चूज कर ले।
डॉक्टर लावी प्लीज गेट द ओरल फीडिंग चार्ट फॉर मिस्टर मोहंती. एक बार जशन की सर्जरी खत्म हो जाए देन आई डू द राउंड अप्स फॉर ऑल द पेशेंट्स. ओके श्योर डॉक्टर. वैसे हमें हमेशा से बात खटकती थी कि हम तुमसे कभी मिल ही नहीं पाए. अब ये जगह एकदम बेस्ट जगह नहीं है मिलने का, पर चलो अच्छा है मिलना तो हुआ. अभी शादी कब हुई आपकी? 8 साल हो गया. हमारे बड़े पापा तुम्हारे फैमिली को जानते थे तो वही सब कराए. अरेंज मैरिज ही हुई है. अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होता है, किसी की जान पहचान से थोड़ी होता है. हम वैसे मुजफ्फरपुर के हैं. हमारी बड़का दीदी बनारस में सेटल्ड है, हम बीच की है. अच्छा. और हमारी चुटकी छोटी बहन, उसका भी हायर पढ़ाई चालू है. वैसे एक बात बताएं, तुम्हारे भैया ना थोड़ी जिद्दी किस्म के आदमी है. झूठ ना ही बोलेंगे पर तुम्हारे बारे में ज्यादा बात नहीं करते. पर जितना भी चुटपुट बात किए है ना, तुम भी अपने भैया की बहन हो, एकदम जिद्दी नहीं. दिक्कत जानती हो क्या है? अगर लड़का जिद्दी हो ना तो माँ बाप का सीना ऐसे फूट के 56 इंच का हो जाता है कि मर्द हो तो ऐसा हो. और अगर लड़की जिद पकड़ ले पूरे समाज के सामने छाती सिकुड़ जाती है. फिर लड़कियों को 4 बातें सुनाएंगे कि लड़की ने ऐसा करना चाहिए, झुक के समझ के चलना चाहिए, अकड़ के नहीं. काहे हमें तो लगता है कि जिद लड़की पकड़े या लड़का पकड़े, जिद सही चीज का होना चाहिए बस. अब जिद से इतना बड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर बन रहा है तो क्या बुरा है? परिवार से मनमुटाव तो अलग बात है. हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी ननद जिद्दी है. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें.